राइट। तो फिर भैया कोई नहीं बोल रहे हैं तो मैं क्यों भाई अपना चूतिया कटवाऊं? ठीक है, सही मैं है क्यों भाई उड़ता हुआ तीर अपनी गोंड के अंदर ले लूं? मैं क्यों ऐसा बोलूं कि ए लकड़ी क्यों वहां पे पड़ी है, आ जा घुट जा मेरी गांड में, ऐसा मैं क्यों करूं? राइट। सबको पता है कल लाइव पे क्या हुआ, सबको पता है, सबके पास वो वीडियो भी है, बहुत सारे लोगों ने स्टोरिया भी लगाई है। अब जब कोई बोल नहीं रहा है तो मैं क्यों बोलूं भला, मैं क्यों अपना मुंह खोलूं भला? सही है, सही ठीक है, अब मैं तो भाई देखो, मैं तो अमेरिका में रहता हूँ, मुझे क्या मतलब खालिस्तान से या दूसरी सारी चीजों से। मेरा तो कोई मेरा तो हजारों किलोमीटर तक मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं है इन सारी चीजों से। राइट। अब इंडिया में जो बहुत सारे बड़े अकाउंट है वो लोग जब कुछ बात होती है तो वो लोग अपनी दुकान खोल खोल के तो बैठ जाते हैं। राइट। तो भाई उन लोगों को अपनी दुकानें खोलने दो। राइट। आप पूरा नाम लेके बात करो पनोड़ी भाई, फिर मजा आएगा। भाई मैं क्यों नाम लूं किसी का? सूफी भाई हाँ तुम तो यही चाहते हो कि भैनचोद मुझे मार दे लोग, अरे तुम नहीं नहीं तो पनोड़ी वेट भाई, करके बैठे हो, तो मैं क्यों किसी का नाम लूं सूफी भैया? चलो अगर आप नहीं बोलते तो मैं बोलता हूँ। देखो भाई, जितने भी कल अपने 2000 3000 मुझे मुझे कमेंट्स भी नहीं शो हो रहे थे और ना ही मेरे को व्यूज शो हो रहे थे, कल जितने भी लोग अपने साथ बैठे हुए थे, कल हमारी जो लाइव का मुद्दा था, आप सबको पता है कि हम जितने भी दोस्त बैठते हैं हम सब धर्म का आदर सत्कार करते, सबको पता है कि मैं गौ रक्षक हूँ, गौ सेवा करता हूँ, एनिमल्स की सेवा करता हूँ, और हमें किसी के धर्म से या किसी के काम से कोई मतलब नहीं है। ये शेखर चहल नाम का लड़का मैं काफी देर से देख रहा था, मुस्लिम लोगों के लिए पोस्ट डालता था, कोई बोला नहीं उसके लिए, नहीं बोला, चलो भाई कोई नहीं बोला तो नहीं बोला। मैंने कल देखा इस बंदे ने हिंदुस्तान की आर्मी के जवानों की पिक्चर डाल रखी थी, ठीक है, उस पिक्चर को जब हमने कल इसकी क्लास लगाई, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, इंडियन आर्मी के जवानों की, और इसने उसके नीचे लिखा हुआ था खालिस्तानी, जस्ट बिकॉज उन्होंने सर के ऊपर पगड़ी डाल रखी थी। अब देखो यार, हिंदुस्तान का कोई फौजी है, चाहे वो मराठा है, चाहे गुजराती है, चाहे पंजाबी है, चाहे सिख है, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे ब्राह्मण है, कोई भी है, आर्मी देश की रक्षा के लिए होती है, देश की सेवा के लिए होता है, और आर्मी में कोई पैसा दे के नहीं घुस सकता भाई। आर्मी में जाया जाता है अपने बल पे, अपनी मर्दानगी पे, अपनी प्रैक्टिस पे। तो भाई ये जितने भी हमारे देश के जल सेना, थल सेना और वायु सेना के जवान थे, उनमें सिर्फ एक समानता थी, वो सारे के सारे पिक्चर्स में सिख थे। शेखर चहल ने क्या किया था, उनकी पिक्चर लगा दी थी और नीचे लिख दिया था खालिस्तानी लोड़े पे, इस तरह से बीच में अमित शाह की पिक्चर लगा दी थी। तो ये बहुत ही गलत मैसेज आता है समाज के अंदर, ठीक है, ये समाज के अंदर बहुत ही गलत मैसेज आता है कि देखो यार यहाँ पर हम लोग भाईचारा बढ़ा रहे हैं, ये लोग सियासत, अब देखो ये इसका पंजाब में दूर दूर तक लेना देना नहीं, ये बीजेपी का, बीजेपी को प्रमोट करता है, बीजेपी का वहां पे ये नेताओं के साथ जाता है, फोटो वोटो खिंचवाता है, रैली में भीड़ भीड़ इकट्ठी करता है, ठीक है, तो ये उसका काम है, तो ये अपना काम करता है। अगर तू भाई सच्चा देश सेवक है, तू सच्चा बीजेपी का लीडर है, तू पॉलिटिशियंस की बात कर, तू पंजाब के सीएम की बात कर, हाँ तू केजरीवाल की बात कर, आम आदमी पार्टी की बात कर, क्योंकि पंजाब में तो आम आदमी पार्टी है ना, तो पंजाब में आजकल कुछ सोशल मुद्दा चल रहा है, कुछ बड़े धार्मिक लीडर्स हैं जिनके ऊपर केस चल रहे हैं, देशद्रोह के केस चल रहे हैं, वो सारी चीजें। तो इस बंदे ने अब हराम का फेम खाने के लिए क्या किया, इसने अब पंजाब के ऊपर पोस्ट जितने भी अपने सोशल मीडिया पे डालने शुरू कर दिए। तो भाई तू डाल, हमें उससे क्या लेना देना भाई, हमें उससे कोई मतलब नहीं था। हमारी प्रॉब्लम थी जब इसने इंडियन आर्मी के जवानों के पोस्ट डाले, हमारा खून उस टाइम पे खोल गया। कुछ लोग मेरे को नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, कुछ गलत समझ रहे हैं, देखो दोस्तों बात सही समझने की है, सिख धर्म की बदनामी करके, धर्म तो सबके बराबर है, सिर्फ जस्ट बिकॉज उन्होंने सिख आर्मी वालों ने पगड़ी डाल रखी थी, तो मैं आपको एक बार पोस्ट दिखा देता हूं,
क्योंकि सबको ये चीजें क्लियर होनी बहुत जरूरी है। लेकिन पोस्ट देख लो, मुझे एक आपको रोकना चाहूंगा सूफी भैया, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। ये बात तो चलो, मतलब के ये बात तो अपना ये सखेर चहल की है, ठीक है। लेकिन आज बहुत सारे मतलब के स्टोरीज लगी हुई है और बहुत सारे लोगों ने नीचे, मैंने बहुत सारी कमेंट्स भी पढ़ी, तो वहां पे लोग ये बोल रहे हैं कि कल विकी थॉमस भाई साहब ने ये बोला कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हिंदुस्तान नाम का वर्ड ही नहीं है, तो आप हिंदुस्तान मत बोलो। तो ये कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं को बहुत ही हर्ट करने वाला स्टेटमेंट दिया गया है विकी थॉमस भाई साहब ने, क्योंकि कल उन्होंने ये बोला लाइव के ऊपर कि भाई कोई भी इंडियंस है वो लोग हिंदुस्तान नहीं बोल सकते हैं। बट आप अगर आपने सुना होगा, अब मुझे कॉन्स्टिट्यूशन का तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है इसके बारे में, मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, जब मैंने विकी थॉमस भाई की स्टेटमेंट को सुना तो क्योंकि जब सेना में होते हैं तो हम कहते हैं जय हिंद, जो हिंद की जय हो, समझे? हाँ, तो हिंदुस्तान के तीन नाम है, भारत, हिंदुस्तान और इंडिया, ये हमारे देश के, हमारी कंट्री के तीन नाम। राजा भारत के नाम पे हिंदुस्तान का नाम भारत पड़ा। फिर जब बाहर के लोग ट्रेड करते थे, इंडिया से बाहर जाते थे, जाते थे, मैंने कल भी एक एग्जाम्पल दी थी, जैसे ईरान देश है उसको पर्शिया बोलते हैं, पर्शिया पुराना नाम है पर्शिया, तो उन लोगों को पारसिक भी बोलते हैं, ईरानी भी बोलते हैं, वहां पे फारसी भाषा का इस्तेमाल होता है। पार्स का स्थान मतलब पार्सकों का स्थान जहां पे वो रहते हैं, कजाकिस्तान जहां पे कजाकी लोग रहते हैं, इसी तरह से हिंदुस्तान को हंकास्तान भी कहते थे, जो बाहरी ट्रेडर्स थे, मोस्टली जो सिल्क रूट से आते थे इधर से, स्पेशली ईरान से, अफगानिस्तान से, टर्की से, ये क्योंकि पंजाब हमेशा बॉर्डर की सीमा पे लगा रहता था, ये गेट था इंडिया का। और दूसरे जो जितने भी ट्रेडर आते थे मोस्टली वो साउथ से आते थे, समंदर के रास्ते बाय रोड जो आते थे वो यहीं से आते थे। तो इनकी कॉमन लैंग्वेज थी जिसमें हिंदुस्तान को हंकास्तान भी कहते थे। तो हमारा आपने देखा होगा जो आदमी बहुत ट्रेवल करता है उनका, हमारा मोस्टली कई कंट्रियों के साथ खाना पीना और कल्चर की कई चीजें, क्योंकि पुरानी संस्कृत लैंग्वेज थी पनौड़ी भाई, संस्कृत लैंग्वेज का इस्तेमाल ट्रेडर्स बहुत करते थे उस टाइम पे। हिंदी पंजाबी ये सब लैंग्वेजेस, इंग्लिश नहीं रहती थी, अरबिक थी, संस्कृत थी, इस तरह की लैंग्वेजेस का इस्तेमाल। इंडियन लैंग्वेज तो बहुत ही पुरानी, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि 6000 साल पहले तो ये सारी चीजें डेवलप हो चुकी थी, घर पक्के बनने शुरू हो गए थे, उससे पहले आदि योगी के जमाने से, आप समझते हो कितना पुराना समाज, तब संस्कृत बोली जाती थी। अब बात आते हैं मुद्दे की, बात करते हैं। विकी थॉमस ने ऐसे बोला था कि हिंदुस्तान कहीं भी लिखा नहीं, भारत लिखा हुआ है, भारत वर्ष विदात, आपने सुना होगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में उसने कहा कि इस तरह से किसी भी जगह पे हिंदुस्तान नहीं लिखा गया, तो ठीक है मान लेते हैं, इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। अगर वो हमारे जो लॉ की किताब में हिंदुस्तान नहीं लिखा तो हो सकता है मान लेते हैं, क्योंकि मैंने तो खुद नहीं पढ़ी, ठीक है ना। बट भारत हमारे देश का ना, इसमें पता क्या होता है भाई, नीचे अगर कोई मतलब के इंडियन जो लॉ है, ठीक है, अगर उसका कोई जानने वाला, अगर उसका कोई नॉलेज वाला कोई बंदा है जिसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर नॉलेज है, तो वो बंदा नीचे कमेंट करो, ठीक है। क्योंकि कल ये स्टेटमेंट दी थी विकी थॉमस भाई साहब ने कि भाई इंडिया के अंदर ये वर्ड्स कोई भी लॉ की कोई भी बुक के अंदर ये यूज नहीं हुआ है, हिंदुस्तान, राइट। तो अगर किसी को नॉलेज है इसके बारे में तो वो बंदा नीचे कमेंट करो, कोई फालतू के लोग कमेंट मत करना, ठीक है। क्योंकि भाई कल मेरी लाइव नहीं थी, एक्चुअली बाबा की लाइव थी, बट बेसिकली मेरी लाइव थी वो, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे डीएम कर करके मतलब परेशान कर दिया है कि भाई कल लाइव पे विकी भाई ने ये जो स्टेटमेंट दिया तो पनौड़ी भाई आप क्यों क्यों बोले नहीं, पनौड़ी भाई आप क्यों चुप रहे, ठीक है। तो ये देखो, मैं चुप इसलिए के लिए, हम ऐसा करते हैं ना पनौड़ी भाई, एक हाँ। मिनट के लिए देखो, यहाँ पर बात है उलझने की बात नहीं है, बात समझने की है। नहीं, मैं किसी से उलझ ही नहीं रहा हूँ, सुनिए ना।
अरे एक हाँ मिनट के लिए, अगर भारत भी बोला तो भारत हमारा ही तो देश का नाम है, हमें शब्दों में नहीं उलझना चाहिए। मुद्दा क्या था, हमें मुद्दे की बात करनी चाहिए। मुद्दा था कि शेखर चहल पहले भी हमारे नीचे, एक श्रेया दीदी हैं, जब वो केस हुए थे भाई, इन्होंने बहुत बड़े बड़े यहाँ पे दिल्ली में बड़े बड़े आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स के पास जाके खुद पैरवाई करके दिन दिन भर उनके लिए उन्होंने सेवा की, वो भी नीचे बैठी हुई हैं। पहले भी इसने इस तरह से कुछ भड़काऊ वीडियोस डाली थी तो श्रेया दीदी ने इसको हटवाई थी। तो एक किसी आदमी का काम भाई, अच्छा तू मेरे को एक बात बता पनोड़ी भाई, आप बैठे हो यहाँ पर, आपने कई बार लोगों को पैसे डोनेशन किए, गिरा हुआ इंसान ने बहुत पैसे डोनेशन किए। मैं अपने बारे में कुछ नहीं बोलूंगा कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता, मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, ठीक है, पब्लिक को पता है मेरे बारे में। मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई साहब, आपने कभी किसी गौ रक्षा के लिए आप सामने आए? आप मुझे ये बताओ, हमेशा हमेशा पता है इनकी स्टेटमेंट क्या होता है, आप भले मेरी मेरी रील को लाइक मत करना, आप मेरी रील को शेयर करना ताकि मेरी बात मोदी जी तक पहुंचे, ताकि मेरी बात योगी जी। अरे भैया ठीक है भाई, सब लोग समझते हैं कौन लोग राजनीति करके अपनी रोटियां सेकता है, कौन लोग सच्चाई का साथ देता है। पनवाड़ी भाई, हमारे लिए हम हमेशा हिंदू धर्म के साथ खड़े रहे, हमेशा सिख धर्म, हमारे पास कोई भी आया हमने सबका साथ दिया, हम मिलजुल के रहे, ठीक है। बात यह है कि झूठ मत बोलो, अगर तुमसे गलती हुई है तो उसको तुम बोलो यार आई एम सॉरी, अब तूने पोस्ट डिलीट कर दी, अगर तू सही होता तू क्यों डिलीट करता भाई? अगर आपसे कुछ गलती हो गई है तो उसके लिए आप बोल दीजिए आई एम सॉरी भाई, मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता। अच्छा हिंदुस्तानी भाऊ है, हिंदुस्तानी भाऊ ने, आपको याद होगा गुरु नानक ऐप के जो एक बुक गेम गेम वाली ऐप होती, जुए की ऐप होती, जिसका नाम गुरु नानक ऐप रखा गया था, उसके लिए हमने मुद्दा उठाया था। तो हिंदुस्तानी बाहू ने उसके बाद में क्या स्टेटमेंट दी थी, देखो ये होता है बड़े आदमी की सोच। उसने कहा कि यार देखो मेरे दिल में सिखों के लिए कुछ भी नहीं है, अगर किसी को मेरी वजह से कोई हर्ट है तो आई एम सॉरी फॉर दैट, और हमें पता नहीं था कि इस तरह से ऐप नहीं होती। अभी के अभी वो ऐप मैंने बंद करवा दिया, उसके मालिक के ऊपर भी केस करवा दिए। पब्लिक को कितना अच्छा लगा। अब जो बॉर्डर के ऊपर हमारा फौजी खड़के गोली खा रहा है, चाहे वो जाट है, चाहे गुज्जर है, चाहे सिख है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे कोई भी है, चाहे दलित है, चाहे मुसलमान है, चाहे क्रिश्चियन है, कोई भी है भाई, हमारे देश की रक्षा कर रहा है ना बनोड़ी भैया। देखो कितना सेंसिटिव टॉपिक है, तुम हमारे देश के नौजवानों की पिक्चर लगा के नीचे कुछ भी लिख रहे हो गलत। अरे अच्छा, तुम्हारा अब आप सब लोगों ने बात कर ली, अब मैं कुछ बोलना चाहता हूं, अब मैं बोलता हूं थोड़ी सी चीजों को। बाबा मेरे को रीऐड करो एक बारी। हाँ हाँ आपको रीऐड करता हूं मैं। ये चले गए, थोड़ी भाई अब ये चले गए। हाँ आ गए। हाँ जी बोलिए। और चलिए, अभी आप लोगों की मैंने कल भी बात सुनी, पनोड़ी भाई ने भी सुनी, मैंने भी सुनी, और आपने भी जो बोली और जिसने को जो बोलना था सबने कल बोला। कल हमने कुछ भी नहीं बोला, बस शांत होके सुना था सारी चीजों को। तो मैं चीजों को क्लियर करता हूं, ठीक है। हाँ करिए। जो जो शेखर चहल ने एक मीम डाला था वो एक मीम टेम्पलेट है, ठीक है, उसका वो मतलब नहीं निकलता है। पर अगर उसको, क्योंकि जैसा जैसा वो मीम टेम्पलेट का यूज किए थे, उस मीम टेम्पलेट को समझने के लिए हर कोई नॉर्मल इंसान उस मीम टेम्पलेट को नहीं समझ सकता, उसके लिए बहुत अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर की जरूरत होती है। तो वो लोगों को समझ में नहीं आई, इसके चलते शेखर चहल ने उस मीम को डिलीट कर दी। यहां पे सारा मुद्दा खत्म होना जाना चाहिए। जब किसी चीज, किसी बंदे को किसी चीज से आपत्ति है तो उस बंदे ने उसको डिलीट कर दिया, बराबर। जब वो चीजें डिलीट हो गई तो उसके बाद उस बंदे को, किसी भी बंदे को मोलेस्ट करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि शेखर चहल भी अपनी जगह पे सही है। अगर वो धर्म के लिए आवाज उड़ाता है, वो जय श्री राम बोलता है, अपने हिंदुत्व का प्रमोशन करता है, भले उसकी लाइव कोई नहीं देखता, उसकी वीडियो कोई लाइक नहीं करता, कोई शेयर नहीं करता, उससे फर्क नहीं होता, वो जय श्री राम बोलता है और अपने धर्म के लिए खड़ा रहता है।
तो मैं शेखर चहल के समर्थन में हूं। हाँ, अगर किसी सिख भाई को उसकी जो पोस्ट से आपत्ति थी उस पोस्ट को उसने डिलीट कर दिया, और हम रहते हैं हिंदुस्तान में, भारत देश में रहते हैं, इस भारत देश में किसी भी बंदे की, चाहे वो कोई भी बंदा हो, कितना भी बड़ा गुंडा हो, उसकी ये औकात नहीं होती कि वो देश के टुकड़े कर सके, एक नए राष्ट्र की मांग कर सके। खालिस्तानी नाम करके कोई भी देश नहीं बन सकता, और खालिस्तानी मुर्दाबाद थे, मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद रहेंगे, और भारत देश जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। खालिस्तानी एक विचित्र मानसिकता वाले लोगों की सोच है, जो एक बहुत ही मरियल सी सोच के लोग होते हैं, वो खालिस्तानी नाम जैसे वर्ड को प्रमोट करते हैं। तो भारत देश एक हिंद राष्ट्र हो और एक हिंद सौराष्ट्र है, तो भाई ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है खालिस्तानी। खालिस्तानी लोग अपने मन में कोई भी ख्याली पुलाव बना सकते हैं। हाँ, शेखर चहल की बात आती है, तो शेखर चहल की जिस पोस्ट से आपत्ति थी, क्योंकि वो एक मीम टेम्पलेट था, जिसको समझने के लिए बहुत अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर की जरूरत होती है, वो नहीं समझ पाया लोगों ने, उसने डिलीट कर दिया। पर शेखर चहल भी अपनी जगह पे गलत नहीं है, वो हिंदू के लिए खड़ा रहता है, और वह जय श्री राम बोलता है, तो जय श्री राम भाई, और भारत देश की जय। और कोई खालिस्तानी, और कल विक्की थॉमस भाई साहब आए थे यहाँ पर, और उन्होंने एक वर्ड बोला था कि जब तुम हिंदुस्तान बोलते हो तो हम खालिस्तानी की भी, खालिस्तान की भी मांग कर सकते हैं। आप बिल्कुल खालिस्तान की मांग नहीं कर सकते हो, ये आपका अधिकार नहीं है कि आप देश के अंदर रहकर खालिस्तान की मांग कर सकते हो। आपको एक चीज बताता हूँ। हाँ, अब आप बताइए। अभी मैं, मुझे जितना बोलना था मेरे तरफ से मैं कंप्लीट हूँ, डन। अभी मैं आपसे एक चीज बताऊंगा और आपसे एक प्रश्न भी करूंगा। हाँ, मेरे चीज को आपको ये बताता हूँ, आप मुझसे जरूर एक प्रश्न पूछिएगा। आप एक बार बोलिए खालिस्तानी मुर्दाबाद, खालिस्तानी मुर्दाबाद। अब ये लो भाई और बहनों, एक सेकंड, कल से मेरे पास पनोड़ी भाई के साथ बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि सूफी भाई भी उस विचारधारा के हैं, आप लोगों के सामने क्लियर हो गया। अरे यार, सूफी भाई नहीं, एक सेकंड, सूफी भाई अभी आप क्लियर करना। कल आप लोग बहुत सारे ऐसे कमेंट कर रहे थे, मेरे पास मैसेज आ रहे थे, पनोड़ी भाई के पास भी आ रहे थे, हम लोगों की विचारधारा ऐसी नहीं है। सूफी भाई का जो दिल दुखा था वो दुखा था उनकी पोस्ट के चलते, इसके लिए उन्होंने ये मुद्दा उठाया था और वो बात खत्म हो गई थी। अब आप बोलिए सूफी भाई। हाँ, देखिए मैं अभी आपको